दोस्तों, मैं शिवानी, मेरा किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ रावा का ढोसा। तो चलिए, रावा का ढोसा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए देखते हैं। चाहिए रावा, मैं इसका एक बाटी रवा लिया है। रवा 2 मिनट हुआ भिगा के रखा। और चाहिए चावल का आटा, यहाँ पे चावल का आटा मैं 4 चम्मच लिया है, भिगा के रखा है। और स्वाद अनुसार नमक और तेल। तो चलिए हम बटर तैयार करते हैं। सबसे पहले हम चावल का आटा डालते हैं, स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। अभी मिलाएंगे इसके अंदर पानी। दोस्तों, रवा की ढोसा बहुत पतला बनाना पड़ता है। बटर देखिए कैसे बटर है, एकदम पतला है। चावल का और उड़द दाल का जो ढोसा बनता है वो थोड़ा ठीक रहता है बटर, लेकिन रवा का ढोसा का बहुत पतला रहता है। देखिए कैसे पतला है, देखिए एकदम पानी का जैसा लग रहा है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। अभी हम तवा गर्म हो गया है, तवा के अंदर तेल दे दिया थोड़ा। अभी टिश्यू लेना है, टिश्यू से पोंछना है। तवा में देते टाइम थोड़ा सा घुमा लीजिएगा चम्मच। साइड से तेल देना है ऐसा, ताकि चिपक ना जाए। निकलने से पहले साइड से थोड़ा ऐसा घुमा लीजिएगा चम्मच। अभी हम थोड़ा सा पलट देंगे, देखिए देखिए कितना पतला है। कोई आसानी से बना सकते हैं ये ढोसा, रावा ढोसा बहुत टेस्टी होता है। देखिए कितना कड़क हुआ है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज आप लोग पूरा वीडियो देखिए, बनाइए, खाइए, खिलाइए। थैंक यू।